हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ समय से जो है हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर से जो है हम लोग चैनल पे वीडियो डालना शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो है हम लोग सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के बारे में बातें करते हैं कि सैनिक स्कूल प्रिपरेशन जो है उसमें आखिर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा होता है, यानी जिसके जो जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में होती है और क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो वो बच्चे जो है ना क्लास सिक्स सैनिक स्कूल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो उसी के पर्पस से जो है हम लोग इस वीडियो में जो है तैयारी के बारे में कुछ बातें करेंगे और कुछ जीके क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास सिक्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो जो है ना जनवरी मंथ में होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम इसमें 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 150 का जो होगा मैथ्स होगा, उसके अलावा जो है 50 मार्क्स का आपका जीके, 50 मार्क्स का आपका ये लैंग्वेज, यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज हो सकता है इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, गुजराती, ये सब हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी 50 मार्क्स होती है वो रीजनिंग की होती है, तो टोटल जो है आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं। और इसमें हर स्टेट्स में सीट का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अलग होता है, तो उसके लिए जो है मैं कुछ अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए जो है हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले जो है इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इंपॉर्टेंट बुक्स ऑथर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है कह रहा है लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, यानी ऐसी किताब है जिसमें ये लिखी हुई है कि लेसन लाइफ टॉट मी अनोइंगली, यानी एक एक्सपीरियंस बुक है जो अपने लाइफ को शेयर किया गया है। तो ये बुक जो है अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेकेंड जो बुक है उसका नाम है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया है, इसने ये बुक जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बुक है चेंजिंग इंडिया, तो चेंजिंग इंडिया को जो है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं फोर्थ बुक के बारे में, तो अ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, इस बुक को जो है निर्मला सीतारमन ने लिखा है और वो जो है हमारे यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं अभी इंडिया में, तो इस बुक को जो है निर्मला सीतारमन ने लिखा है। उसके बाद जो है फाइव नंबर में इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर, इस बुक को लिखा है जयराम रमेश। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है छोटे छोटे जीके क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस होगा। आप इस चीज़ को जो है ना हमेशा मेरे चैनल पे ये बुक्स रिलेटेड जो है ना इसका वीडियो अवेलेबल रहेगा, और भी कुछ और भी बुक्स जो है ना आपको मैं ऐड करके दिखाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू, जय हिंद।